12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में सी लिंक अटल सेतु का उद्घाटन किए जाने के बाद एक बार फिर से अटल सेतु चर्चा में है। वजह है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा सेतु में दरार और बीजेपी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। मुंबई में बने अटल सेतु में इस समय MMRDA द्वारा रैंप 3 सर्विस अप्रोच रोड पर मरम्मत का काम चल रहा है। ये अटल सेतु का वही हिस्सा है जिस पर नाना पटोले ने दरार के आरोप लगाए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। मैं एक सवाल गवर्नमेंट को करना चाहता हूँ। अभी बारिश नहीं गिरी है, अभी मुंबई में भी जिस तरह से बारिश होना चाहिए था बारिश नहीं हुई, नहीं तो पूरा रास्ता ही बह जाता। बगैर बारिश के बाद भी 2-2.5 फीट रास्ता अगर पूरा क्रैक हो गया होगा तो इसका अंदाज क्या लिया जाएगा। अटल सेतु की बात सरकार करती है, उसको चढ़ने वाले रास्ते हो, अटल सेतु हो, आप जो समृद्धि मार्ग देखो तो क्या हुआ है, सब जगह तो भ्रष्टाचार है, लोग तो मर ही रहे। लोग मरने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। स्पष्टीकरण सरकार दे रही है छुपाने के लिए, लेकिन वो तो मानते हैं ना क्रैक आया। कब हुआ रास्ता? 3 महीने पहले। 3 महीने के बाद कैसे रास्ता क्रैक हुआ? ये अटल सेतु का लिंक है ना, वो क्यों नहीं बोलते कि अटल सेतु का लिंक नहीं है? वो अटल सेतु का ही लिंक है, वो उसी से चढ़ते ना रास्ते पे। अगर रास्ता ही ढह जाएगा और लोग वहां पे हो गए तो वो तो जाएगा ना समंदर में, समंदर में रास्ता है। सरकार अपने पाप छुपाने के लिए अगर झूठ बोल रहे तो उनका इश्यू है। मेरा काम था कि जनता के पैसे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसके परिणाम जनता ना भुगते उसके लिए हमने सरकार को अलर्ट किया है। अगर सरकार अपने पाप छुपाने के लिए अगर झूठ बोल रही है तो सरकार का जवाबदारी है। वहीं दूसरी ओर प्रोजेक्ट हेड कैलाश गंत्रा ने सेतु में किसी भी तरह की दरार आने की खबरों का सिरे से खंडन किया। इसके साथ ही उन्होंने पुल पर चल रहे मरम्मत के कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ बताया? कई बार क्या होता है, लोग बात का बतरंग बना देते हैं, राय का पहाड़ बना देते हैं। अटल सेतु जैसे आप अगर आप मुंबई से आ रहे होंगे तो आपने अटल सेतु देखा होगा, नॉर्मल ट्रैफिक चालू है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। जब भी कोई एक बड़ा सेतु बनता है तो उसमें 3 पार्ट रहते हैं। एक तो जो मेन ब्रिज रहता है, उसके रैम्प्स रहते हैं कनेक्टिंग, एंड देन उसके अप्रोच रोड होते हैं। तो ये जो कल का इंसिडेंट जो आया हुआ है मीडिया में वो अप्रोच रोड का है, एंड दीज आर द माइनर क्रैक्स। और उसकी वजह से कोई ट्रैफिक, जैसे आप देख रहे होगे कि ट्रैफिक पूरा कहीं रुका हुआ नहीं है, ट्रैफिक कंटिन्यू चल रहा है। पब्लिक को यही है, जहां काम चल रहा है वहां पे बैरिकेशन लगा के, पब्लिक सेफ्टी के लिए, वर्कमैन सेफ्टी के लिए बैरिकेशन लगा के, वो जो एंड वो रोड इंडस्ट्री में दैट इज नॉर्मल। अगर कहीं पे भी माइनर काम आता है, अगर आप कहीं पे भी नेशनल हाईवे में कहीं पे भी आप चले जाइए, एक्सप्रेस वे में भी चले जाइए, अगर कहीं कुछ कंप्लेंट्स है तो उसको बैरिकेशन देके जो है उसको अटेंड किया जाता है। अगर आप अपना नया घर भी बनाते हो तो नया घर बना के जब रहने जाते हो तो छोटा मोटा आपका कुछ काम रहता है तो आप उसको अटेंड करवाते हो। तो सिमिलरली ये जो है अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज में, क्योंकि ये जो है अगर आप देखोगे आप ये जो अप्रोच रोड है ये लास्ट मोमेंट में जब बनाया गया है टू मेक द ट्रैफिक ऑपरेशनल बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई, कोस्टल रोड नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में ये डिसीजन लिया गया था। अभी यहाँ पे ये जो अप्रोच रोड बना है आप पीछे में देखोगे तो खाड़ी है, तो खाड़ी का पानी कंटिन्यूस आता है, एंड अभी जस्ट अपना एक समर खत्म हुआ है, समर खत्म होकर बारिश आ रहा है, तो बारिश और समर तो ये हीट और कूल जब होता है रोड का तो इवन दो कॉम्पैक्टेड मिट्टी उसमें जो है ये नेचुरल फिनोमिना है कि उसमें क्रैक्स डेवलप होता है, तो वो क्रैक्स डेवलप कर जो हुआ है तो उसको अटेंड करने का ऑलरेडी काम चालू है, एंड आप देखेंगे कि भाई शाम तक के ये जो है पब्लिक के लिए कंप्लीट दोनों वे खोल दिया जाएगा। सर आप एक रैंप की बात करें, थोड़ा हमें वो समझा दीजिए कितने रैंप टोटल अटल सेतु ब्रिज पे हैं और किस तरह से इनका काम चल रहा है और क्या फॉर्मेशन। रैंप्स अगर अपन बात करें तो अगर शिवरी एंड में टोटल 8 रैंप है जिसमें से 6 ऑपरेशनल है और 2 जो शिवरी वर्ली कनेक्टर जब वो आगे का ब्रिज बनेगा उस समय में होंगे। जब आप शिवाजी नगर आते हैं तो शिवाजी नगर में अनादर 6 रैंप्स रख देते, तो वो 6 रैंप्स जो है JNPT कनेक्ट होना था, नवी मुंबई एयरपोर्ट कनेक्ट होना था, एंड दिस नवी मुंबई कनेक्ट होना था। तो ये 6 रैंप को कनेक्टिंग जो था कोस्टल रोड था, कोस्टल रोड कुड नॉट टेक ऑफ, तो फिर ये जो लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लिया गया क्योंकि ट्रैफिक मुंबई नवी मुंबई
जो मेन ऑपरेशनल करना था, तो अपने रैंप से रैंप तीन और रैंप पांच को अपने टेम्परेरी रोड करीबन 700-800 मीटर के जो दोनों रैंप के लिए टेम्परेरी रोड एक्सटेंड किए हैं, और उस रैंप ये जो डेवलप हुआ है क्रैक जो डेवलप हुआ है रैंप फाइव पे हुआ है, इट इज ऑन अप्रोच, इट इज नाइदर ऑन अटल सेतु नॉर ऑन दैट रैंप, एंड इट इज कम्प्लीटली सेफ फॉर पब्लिक बिकॉज देर इज नो मूवमेंट स्टॉप फॉर द ट्रैफिक, सो ट्रैफिक इज कंटिन्यूअसली गोइंग।